अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन मैन हु प्लांटेड ट्रीज, शख्स जो दरख्त उगाता था, रिटन बाय जीन गियोनो। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इस लेसन का पार्ट 3। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना लेसन स्टार्ट करते हैं हम। द ओक्स ऑफ 1910 वर देन 10 ईयर्स ओल्ड। कहता है कि अब उन दोनों की मुलाकात हो रही है 10 साल के बाद, क्योंकि 1910 में वो इस चरवाहे से मिला था। उसके बाद क्या हुआ कि वो वापस चला गया और 5 साल जंग भी जारी रही। अब वो वापस आया है तो उस टाइम पहली मुलाकात 1910 में हुई थी। अब वो कहता है कि 10 साल के बाद वो जो ओक्स थे, शाहबलूत के दरख्त थे, कहते हैं एंड टॉलर देन आइदर ऑफ अस। कहते हैं 1910 के दरख्त अब 10 साल के थे, उनकी उम्र बता रहा है, और कहते हैं हम दोनों से ना वो कद में बड़े थे। इट वॉज़ एन इम्प्रेसिव स्पेक्टिकल। कहते हैं ये एक वाकई ही बहुत मुतासिर कुन जो है स्पेक्टिकल था, यानी कि नज़ारा था। आई वॉज़ लिटरली स्पीचलेस। कहते हैं मैं वाकई ही में गुमसुम था। एंड एज ही डिड नॉट टॉक। कहता है उसका तो आपको पता था कि वो ज़्यादा बात नहीं करता था, वो जो शेपर्ड था ना। वी स्पेंट द होल डे वॉकिंग इन साइलेंस थ्रू हिज फॉरेस्ट। कहते हैं हमने पूरा दिन गुजार दिया चलते हुए उसके जंगल में, लेकिन खामोशी के साथ, मतलब खामोशी से चलते हुए गुजारा। इन थ्री सेक्शंस, कहते हैं तीन हिस्सों में। इट मयर्ड 11 किलोमीटर्स इन लेंथ। कहते हैं अगर इसकी लंबाई देखी जाए ना तो तकरीबन 11 किलोमीटर जो है तक जाती है। एंड 3 किलोमीटर्स एट इट्स ग्रेटेस्ट विड्थ। और कहते हैं इसकी जो चौड़ाई है ना, ये तकरीबन 3 किलोमीटर थी। When you remembered that, कहते जब आप एक बात सोचते हैं, all this had sprung from the hands and the soul of this one man. कहते हैं कि all this, कि ये सब, sprung होता है कोई चीज़ फूटती है, निकलती है, कि ये सब कुछ मुमकिन हुआ है from the hands and soul, इस इन हाथों से और इस रूह से, एक आदमी की, कि एक इंसान के हाथों और रूह से ये मुमकिन हुआ है without technical resources, बग़ैर किसी टेक्निकल वसाइल के। यू अंडरस्टैंड दैट। कहते हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि मैन कुड बी एज इफेक्चुअल एज गॉड इन अदर रिलीम्स दैट देन दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कहते हैं कि इंसान भी ना खुदा की तरह ही तबाही के अलावा दूसरे मैदानों में भी इफेक्चुअल, यानी कि मौसर और कारगर साबित हो सकते हैं। He had pursued his plan, कहते हैं उसने अपने मंसूबे को आगे बढ़ाया, and ब्रिज trees as high as my shoulder। और कहते हैं जो ब्रिज के जो दरख्त हैं ना, वो मेरे कंधों तक लंबे हुए हुए थे, spreading out as far as the eye could reach। कहते हैं और वहाँ तक फैले हुए थे जहाँ तक मेरी आँख जो है ना उन्हें देख सकती थी, यानी कि ता हद नज़र फैले हुए थे। Confirmed it, कहते हैं उसने अपने मंसूबे की ना तस्दीक जो है कि ही शोड मी हैंडसम क्लम्स ऑफ ब्रिज प्लांटेड 5 ईयर्स बिफोर। कहते हैं उसने मुझे ब्रिज के खूबसूरत जो हैं क्लम्स, यानी कि झुंड, वो भी दिखाए जो उसने 5 साल पहले लगाए थे। दैट इज़ इन 1915। कहते हैं और ये उस वक्त की बात है 1915 की, व्हेन आई हैड बीन फाइटिंग एट वर्डन। कहते हैं जब मैं वर्डन की लड़ाई में मसरूफ था। ही हैड सेट देम आउट इन ऑल दी वैलीज। कहते हैं उसने तमाम वादियों में ये लगा दिए थे। वेयर ही हैड गेस्ट, जहाँ पर उसने अंदाज़ा लगाया था। लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि इसने क्या गेस किया था। इसने कहा था कि मुझे लगता है इस ज़मीन में मॉइस्चर है, नमी है, और यहाँ पर पौधे ज़रूर उगेंगे। एंड राइटली, और उसने बिल्कुल जो है सही अंदाज़ा लगाया था, या फिर सचमुच में, दैट देयर वॉज मॉइस्चर, कि वहाँ पर नमी पाई जाती थी। आलमोस्ट एट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन की सतह पर। देवर एज डेलिकेट एज यंग गर्ल्स, वो इतने डेलिकेट नाजुक थे जिस तरह से कोई नौजवान लड़की होती है ना, तो पौधे इस तरह से खूबसूरत लग रहे थे। एंड वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड, और बहुत मुस्तहकम थे। क्रिएशन सीम टू कम अबाउट इन अ सॉर्ट ऑफ चेन रिएक्शन।
कहते हैं कि तखलीक एक जारी जो है रिएक्शन यानी कि रद्द अमल के तौर पर वाकिया हो रही थी। ही डिड नॉट वरी अबाउट इट, वो इसके बारे में फिक्रमंद नहीं था। ही वॉज डिटरमाइंडली परसुइंग हिज टास्क इन ऑल इट्स सिंप्लिसिटी, वो मुकम्मल सादगी के साथ अपने काम को जारी रखने के लिए क्या था, पुरअज़म था। बट एज वी वेंट बैक टुवर्ड द विलेज, कहता है लेकिन जो ही हम गांव वापस चले गए, आई सॉ वाटर फ्लोइंग इन ब्रूक्स, कहते हैं मैंने नदियों में पानी का फ्लो देखा, पानी बहता हुआ देखा। दैट हैड बीन ड्राई सिंस द मेमोरी ऑफ मैन, कहते हैं जो कि इंसान की याददाश्त से ही ड्राई थी, खुश्क पड़ी थी। दिस वॉज द मोस्ट इम्प्रेसिव रिजल्ट ऑफ चेन, कहते हैं कि ये उस जो जारी रद्द अमल है, जो चेन है, उसका मुतासिर कुन रिजल्ट था, नतीजा था। रिएक्शन दैट आई हैड सीन, उस रद्द अमल का जो मैंने देखा। द वाइन टू, कहते हैं हवा भी स्कैटर्ड सीड, बीज जो है बीज को बखेरती थी। एज द वाटर रीअपियर्ड, कहते हैं जूँ ही पानी दोबारा से नमूदार हुआ, सो देयर रीअपियर्ड विलोज, अब वहाँ पर क्या क्या नमूदार हुआ, विलोज बेत के दरख्त, रशीज मेडोज, कहते हैं चरागाहें वहाँ पर दोबारा से हरी हो गई, गार्डन्स बागात, फ्लावर्स फूल, एंड अ सर्टेन, और कहते हैं ख़ास तौर पर पर्पस इन बीन अलाइव, कहता है ज़िंदा होने का ख़ास एक जो है मकसद भी पैदा हुआ। बट दी ट्रांसफॉर्मेशन, कहता है लेकिन ये जो तब्दीली हुई है ना, टुक प्लेस, ये वाकया हुई है सो ग्रेजुअली, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, दैट इट बिकेम पार्ट ऑफ द पैटर्न, कि वो इस फितरत का हिस्सा बनी विदाउट कॉजिंग एनी आस्टोनिशमेंट, बगैर कोई हैरानगी पैदा किए आहिस्ता आहिस्ता इस फितरत का ये सब कुछ चीज़ें जो हैं हिस्सा बन गई। हंटर्स शिकारी क्लाइंबिंग इन टू दी विल्डरनेस, कहते हैं जो कि इस बंजर पहाड़ों पर चढ़ते थे, इन परसूट ऑफ हेयर्स और विल्ड बोर, जो कि हिरणों की तलाश में और जंगली जो सूअर हैं उनकी तलाश में चढ़ते थे। हैड ऑफ़ कोर्स नोटिस, उन्होंने बिला शुबा महसूस की होगी, द सडन ग्रोथ ऑफ लिटिल ट्रीज, अचानक से ये नन्हे नन्हे दरख्तों की जो ग्रोथ है, पैदावार है, अफजाइश, वो उन्होंने नोट की होगी। बट हैड एट्रीब्यूटेड इट टू सम नेचुरल कैप्रिस ऑफ दी अर्थ, लेकिन उन्होंने इसे ज़मीन की जो कुदरती तखयलकारी है वो समझ रखा था कि ये लगता है खुद ब खुद ही उग रहे हैं। दैट्स वाई, इस वजह से नो वन मेडल्ड विद एल्जियर्ड बुफियर्स वर्क, कोई भी एल्जियर्ड बॉफियर के काम में जो है दखल अंदाजी नहीं करता था। इफ़ ही हैड बीन डिटेक्टेड, अगर उसका पता चलाया जा सकता था, पता चलाया जाता, ही वुड हैव हैड ओपोजिशन, तो क्या होता कि उसे मुखालफीन का सामना हो सकता था। ही वॉज अनडिटेक्टेबल, वो नाकाबले दरियाफ्त था। हु इन द विलेजेस और इन द एडमिनिस्ट्रेशन कुड हैव ड्रीम्ड ऑफ सच प्रिजर्वेंस इन अ मैग्निफिशेंट जेनरसिटी, कहता है कि कौन गांव में या इंतज़ामिया में कौन ऐसा था जो ऐसा ख्वाब रखता था या ऐसी साबित कदमी जो है देख सकता था, इस किस्म की शानदार और जो है कहते हैं फराग दिली और साबित कदमी जो है ना उसका मुजाहरा जो इसने किया था, कौन ऐसा कर सकता था, कोई भी नहीं। टू हैव एनी थिंग लाइक अ प्रिसाइज आइडिया ऑफ दिस एक्सेप्शनल करेक्टर, कहते हैं कि ऐसे इम्तियाजी किरदार का ना सही अंदाज़ा लगाने के लिए, वन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट, किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ही वर्कड इन टोटल सॉलीट्यूड, कि वो मुकम्मल तन्हाई में काम करता था। सो टोटल डेथ, इतनी तन्हाई में वो काम करता था टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ही लॉस्ट द हैबिट ऑफ स्पीच, कि वो जो है ना बोलने की आदत ही खो गया, उसे याद ही नहीं था बोलते कैसे हैं। और फिर हैप्स इट वॉज दैट ही सा नो नीड फॉर इट, या हो सकता है कि उसने उसकी ज़रूरत ही कभी महसूस ना की हो। आई सा एल्जियर्ड बुफियर फॉर द लास्ट टाइम इन जून ऑफ 1945, कहते हैं कि मैंने एल्जियर्ड बुफियर को ना आखिरी दफ़ा जून 1945 में देखा। ही वॉज देन 87, कहते हैं उस वक्त उसकी उम्र जो है ना वो 87 साल थी।
आई हैड स्टार्टेड बैक अलोंग द रूट थ्रू द वेस्ट लैंड, कहते हैं कि मैं ना दोबारा से उस जो सहरा से गुजरने वाला रास्ता था वहाँ से मैं दोबारा उस पर सफ़र करने लगा या चलने लगा। बाय नाउ, क्योंकि अब इन स्पाइट ऑफ द डिसऑर्डर इन विच द वॉर हैड लेफ्ट द कंट्री, कहते हैं कि वो जो बदनज़मी जो कि जंग जब हुई थी, जंग की वजह से इस मुल्क में फैल गई थी, देयर वॉज अ बस रनिंग बिटवीन द ड्यूरेंस वैली एंड द माउंटेन, कहते हैं तो अब क्या था, ड्यूरेंस वादी और पहाड़ के दरमियान जो है एक बस चलती थी बाकायदा, तो इसलिए वो दोबारा से अपने उन सहराओं की तरफ सफ़र करने लगा। I attributed the fact, कहते हैं कि मैंने ये हकीकत तस्लीम कर ली कि I no longer recognize this scene, कहते हैं कि मैंने जो है ना मनाजिर को मैं ना पहचान सका, of my earlier journeys, कि जो मेरे पहले सफ़र के जो मनाजिर थे ना, to this relatively speedy transportation, क्योंकि बस जो है वो बहुत तेज़ चल रही थी, कहते हैं इस तेज़ नकलो हमल की वजह से अपने पहले वाले सफ़र के मनाजिर को मैं ना पहचान सका। It seemed to me, कहता मुझे जो है ना ऐसे लगता था, to that the route took me through new territory, कि ये जो बस है ना, ये जो रास्ता है मुझे एक नए इलाके में ले गया। It took the name of a village to convince me that I was actually in the region that had been all ruin and desolation, कहता है कि इस गांव का नाम ऐसा ही था जिसने मुझे कायल कर लिया कि मैं दरअसल एक ऐसे इलाके में था जो कि पूरा का पूरा जो था वो खंडरात था और वीरानी ही वीरानी पर मुश्तमिल था। द बस पुट मी डाउन एट वेरगोंस, कहते हैं कि बस ने मुझे वेरगोंस जगह का नाम है वहाँ उतारा। इन 1913, अब वो 1913 की बात याद कर रहा है, कहता 1913 में दिस हैमलेट ऑफ 10 of 12 हाउसेस हैड 3 इनहेबिटेंट्स, कहता है यहाँ पर ऑफ नहीं, यहाँ पर और होगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, कहता है यहाँ पर 10 या 12, 10 of 12 नहीं, 10 और 12 होगा, 10 या 12 जो हैं घर जो थे वो सिर्फ यहाँ पर कहता थे और छोटे मतलब थोड़े लोग रिहायशी थे। एवरीथिंग हैड चेंज्ड, कहता है यहाँ पर हर चीज़ अब तब्दील हो चुकी थी। इवन द ईयर, कहता है यहाँ तक कि हवा भी, अब वो उस वक्त की बात कर रहे हैं 1913 में क्या था कि 10 से 12 घर थे सिर्फ और 3 उसमें रिहायशी थे यानी कि बाशिंदे थे। अब वो कहते हैं हर चीज़ तब्दील हो चुकी है यहाँ तक कि हवा भी। इंस्टेड ऑफ द हार्श ड्राइव वाइंड्स दैट यूज टू अटैक मी, कहता है कि वो हवा जो कि बहुत ही ज़्यादा कह लें आप कि सख्त थी, खुश्क थी, कहता है जो अक्सर मुझ पर हमला करती थी, मतलब उस टाइम जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि वो कहता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और इसका पानी ख़त्म इनका हो गया था राइडर का, तो इतना सख्त मौसम था। अब वो कहता है वो हवा अ जेंटल ब्रीज वाज ब्लोइंग, कहते हैं कि एक बहुत ही जो है ठंडी ठंडी हल्की हवा चल रही थी, लेडन विद सेंट, जो कि खुशबू से भरी हुई हवा थी। अ साउंड लाइक वाटर केम फ्रॉम द माउंटेन्स, कहते हैं कि पहाड़ों की तरफ से पानी की तरह आवाज़ आई। वो आवाज़ क्या थी? इट वॉज़ द वाइंड इन द फॉरेस्ट, कहते हैं ये जंगल में हवा के चलने की आवाज़ थी, ये पानी की आवाज़ नहीं थी, जंगल में से जब हवा गुजरती है ना तो उसकी आवाज़ थी, मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया था अब उधर का। मोस्ट अमेजिंग ऑफ ऑल, कहते हैं सबसे ज़्यादा अजीब ये बात थी, आई हर्ड द एक्चुअल साउंड ऑफ वाटर, पहले तो वो कह रहा था ना कि हवा गुजर रही थी जंगल में से, कहते हैं कि मैंने पानी की असल आवाज़ सुनी, फॉलिंग इन टू अ पूल, जो कि एक तालाब में गिर रहा था। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि अ फाउंटेन हैड बीन बिल्ट, कि एक फुआरा जो है ना वो वहाँ पर तामीर किया गया है, दैट इट फ्लोट फ्रीली, और कहते हैं कि ये फुआरा जो है ना आज़ादाना तौर पर बहता था। एंड और वट टच्ड मी मोस्ट, कहते हैं किस चीज़ ने मुझे ज़्यादा मुतासर किया, दैट समवन हैड प्लांटेड अ लिंडन बिसाइड इट, कि किसी ने इस फवारे के साथ ना लिंडन का दरख्त लगा दिया था। अ लिंडन दैट मस्ट हैव बीन 4 years old, कहते हैं कि वो लिंडन का दरख्त जो है ना तकरीबन 4 साल पुराना था, ऑलरेडी इन फुल लीफ, ये पत्तों से भरा हुआ था। द इनकंटेस्टेबल सिंबल, इनकंटेस्ट होता है कि जिसमें ना काबिल मुकाबला, कि आप उस चीज़ का मुकाबला ही ना कर सकें, जिस चीज़ का कोई मुकाबला ही ना हो।
ऑफ रिजरेक्शन। रिजरेक्शन होता है दोबारा से ज़िंदा होने का अमल। अब वो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन पहले बिल्कुल ही मर रही थी ना, उसने दरख्त लगाए हैं, तो कहते हैं कि ज़िंदा होने के लिए एक बिल्कुल ही नाकाबिले तरदीद अलामत थी यहाँ पर ये दरख्त और पानी का बहना और हवा का चलना। बिसाइड्स इसके अलावा विरगोंस बोर एविडेंस ऑफ लेबर एट द सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग फॉर विच होप इज़ रिक्वायर्ड। कहता है जो विरगोंस भी है ना, इसकी मेहनत का जो एविडेंस है सबूत देता था एक ऐसी मेहनत जिसको शुरू करने के लिए होप उम्मीद की ज़रूरत थी। होप देन हैड रिटर्न्ड, कहते हैं कि उम्मीद जो है ना फिर वापस आ चुकी थी। रुइंस हैड बीन क्लियर्ड अवे, कहते हैं जो खंडरात थे वहाँ पर वो साफ़ किए जा चुके थे। डिलेपिडेटेड वॉल्स टोर्न डाउन, जो टूटी फूटी दीवारें थी गिरा दी गई थी। एंड फाइव हाउसेस रिजॉर्टेड, और पांच घर जो है ना वो दोबारा से बहाल किए गए थे। नाउ देयर वर 28 इनहेबिटेंट्स, कहते हैं अब उनमें 28 बाशिंदे आबाद थे। फोर ऑफ देम यंग मैरिड कपल्स, उनमें से चार जो है ना वो जवान शादीशुदा जोड़े थे। The new houses, freshly plastered, were surrounded by gardens. कहते हैं कि नए घर जो अभी अभी प्लस्तर किए गए थे ना, उनके इर्द गिर्द बागात वाकिया थे। वेयर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स ग्रो इन ऑर्डरली प्रोफ्यूजन, कहते हैं प्रोफ्यूजन के वहाँ पर इर्द गिर्द सब्जियाँ फूल जो है ना बड़ी तादाद में और तरतीब के साथ जो है उगाए गए थे। कबेज बंद गोभी एंड रोजेस और गुलाब, लीक्स जो वो हरा प्याज होता है, एंड स्नैप ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन एक तरह के फूल का नाम है। सेलरी, सेलरी कहते हैं अजवाइन को, एंड एनिमियंस कहते हैं ये भी खरासानी यानी कि एक फूल का नाम है। इट वाज नाउ अ विलेज, कहते हैं अब ये एक पूरा गांव बन गया था। वेयर वन वुड लाइक टू लिव, जहाँ कोई हर कोई रहना जो है पसंद करता था कि हम यहाँ पर रह सकते हैं। From that point on, I went on foot. कहते हैं इस मकाम से आगे मैं पैदल गया। The war just finished had not yet allowed the full blooming of life. कहते हैं क्योंकि जंग अभी अभी ख़त्म हुई थी इसलिए ज़िंदगी की उस तरह से जो चहल पहल है ना उसने उस तरह वो वापस नहीं आई थी। On the lower slopes, कहते हैं जो पहाड़ के जो नीचे वाला ढलवान वाला हिस्सा था ऑफ द माउंटेन, पहाड़ का, I saw little fields of barley एंड ऑफ राई, तो कहते हैं मैंने वहाँ पे छोटे छोटे खेत देखे बार्ली यानी कि जौ के और राई के। डीप इन दी नैरो वैली वैलीज़, कहते हैं आगे जो गहराई में ना छोटी वादियों में तंग वादियों में, दी मीडोज वर टर्निंग ग्रीन, जो उनकी चिरागाहें थी वो अब सरसब्ज हो रही थी। इट हैज़ टेकन ओनली दी 8 years सिंस देन फॉर दी होल कंट्री साइड टू ग्लो विद हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, कहते हैं कि तमाम देहाती इलाके को सेहत और खुशहाली से हमकनार होने में तकरीबन 8 साल का अरसा लगा था। ऑन द साइट ऑफ रुइंस, कहते हैं कि खंडरात के मकाम पर, आई हैड सीन इन 1913, जो कि मैंने 1913 में देखे थे। नाउ स्टैंड नीट फॉर्म्स, वहाँ पर अब खूबसूरत फॉर्म्स जो हैं वो खड़े थे। क्लीनली प्लास्टर्ड, जो कि साफ सुथरे प्लस्तर जिन पे हुए हुए थे। टेस्टिफाइंग टू अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ, जो कि एक खुश और आरामदेह ज़िंदगी की अकासी कर रहे थे। दी ओल्ड स्ट्रीम्स, जो पुरानी नदियाँ थीं, फेड बाय रेन्स एंड स्नोज, जिसको बारिश और बर्फ़ से पानी मिलता था। दैट दी फॉरेस्ट कंजर्व्स, जो कि जंगल जिन्हें बचा के रखता था। आर फ्लोइंग अगेन, वो दोबारा से बह रहे थे। देयर वाटर्स हैव बीन चैनल्ड, उनके पानी को अब क्या है रास्ता फराहम कर दिया गया था, उनके पानी को अब एक रास्ता मिल गया था। ऑन ईच फार्म, कहते हैं हर एक खेत पर, इन ग्रोव्स ऑफ मेपल्स, पीपल के झुंड में, फाउंटेन फवारा, पूल्स तालाब, ओवरफ्लो ऑन द कारपेट्स ऑफ फ्रेश मिंट, वो इस तरह से बह रहे थे जिस तरह से ना ताज़ा पुदीने के कालीन की तरफ बहते आ रहे थे। लिटिल बाय लिटिल, कहते आहिस्ता आहिस्ता, द विलेजेस हैव बीन रिबुल्ट, गांव जो हैं वो दोबारा तामीर किए गए थे। पीपल फ्रॉम द प्लेन्स, लोग जो हैं प्लेन्स कहते हैं मैदानों को, मैदानी इलाके के लोग, वेयर लैंड इज़ कॉस्टली, जहाँ पर ज़मीन महंगी होती थी, हैव सेटल्ड हियर, वो यहाँ पर आकर आबाद हो गए थे। ब्रिंगिंग यूथ मोशन,
द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वो अपने साथ क्या लेकर आए थे? यहाँ अपने साथ जवानी, हरकत और एडवेंचर यानी कि मुहिम जोई का जोश लेकर आए थे। अलोंग द रोड्स यू मीट हर्टी मैन एंड वुमेन, कहते हैं रोड के साथ साथ आपको जिंदा दिल जो है आदमी और औरतें जो हैं पुरजोश वो मिलती हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, पुरजोश लड़के और लड़कियां, हु अंडरस्टैंड लाफ्टर, कहते हैं जो हंसी समझते हैं, एंड हैव रिकवर्ड अ टेस्ट फॉर पिकनिक्स, कहते हैं और जिन्होंने ना सैर सपाटे का जोक शौक दोबारा हासिल कर लिया है। काउंटिंग द फॉर्मर पॉपुलेशन अनरिकॉग्नाइजेबल नाउ दैट दे लिव इन कम्फर्ट, कहते हैं कि साबका आबादी यानी कि जो पिछली जो आबादी है ना उसको अगर हम काउंट करें, उसका शुमार करें, जो अब एक नाकाबिले शनाख्त हो चुकी है क्योंकि वो अब बिल्कुल कंफर्ट से आराम से रहते हैं। मोर देन 10,000 पीपल, क्योंकि 10,000 लोगों से की जो है 10,000 से ज़्यादा लोगों की जो है ऑल देयर हैप्पीनेस, उनकी खुशी उधार है टू एल्जियर्ड बुफियर, किसकी मरहूने मिन्नत है? कहते हैं 10,000 से ज़्यादा लोगों की खुशी जो है एल्जियर्ड बुफियर की मरहूने मिन्नत है। When I reflect that one man, कहते हैं जब मैं गौर करता हूँ कि एक शख्स armed only, armed होता है लेस होना, वो किस चीज़ से लेस था, लदा हुआ था, with his own physical and moral resources, कि उसके पास सिर्फ उसके जिस्मानी और इखलाकी जो वसाइल है ना उनसे वो लेस था, was able to cause this land of Canaan of spring from the वेस्ट लैंड, कहते हैं कि वो इस ज़मीन को ना एक खूबसूरत नखलिस्तान में बदल गया जो है, सेहरा से ना वेस्ट लैंड से सेहरा से खूबसूरत नखलिस्तान में ज़मीन में उसने तब्दील कर दिया। आई एम कन्विंस्ड दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कहते हैं कि मैं इस बात का कायल हुआ कि हर चीज़ होने के बावजूद ह्यूमैनिटी इज़ एडमायरेबल, कि इंसानियत जो है ना वो काबिले तारीफ है। बट व्हेन आई कंप्यूट, कहते हैं जब मैंने हिसाब लगाया, the unfailing greatness of spirit, के उसके जो है ना कहता है उसकी ना ख़त्म होने वाली greatness, अजमत की, उसके जज्बे की अजमत की, and the tenacity, और उस tenacity होता है सख्ती, और tenacity of benevolence, के उसके जो काम में सख्ती जो आई उसका हिसाब लगाया, that it must have taken to achieve this result, कहता है उन सब के नतीजे में ही ये जो हमें रिज़ल्ट मिला है, ये नतीज हासिल हुए हैं। आई एम टेकन विद एन इमेंस रिस्पेक्ट, कहते हैं तो मेरे दिल में ना बेहद एहतराम पैदा हो जाता है फॉर दैट ओल्ड, उस बूढ़े एंड अनलर्नड पीजेंट, और जो अनलर्नड होता है कि अनपढ़, पीजेंट कहते हैं किसान को, उस बूढ़े और अनपढ़ किसान के लिए कहते हैं हु वॉज एबल टू कम्प्लीट अ वर्क वर्दी ऑफ गॉड, कहते हैं कि मेरे दिल में उस बूढ़े और अनपढ़ किसान के लिए बेहद एहतराम पैदा हो जाता है जो एक ऐसा काम मुकम्मल करने पे या ऐसा काम अंजाम देने के काबिल हुआ जो कि खुदावंदी काम था। एल्जियर्ड बुफियर, कहते हैं एल्जियर्ड बुफियर डाइड पीसफुली, बहुत ही ज़्यादा सुकून से उसने वफात पाई, कब? इन 1947 में, एट द हॉस्पिक इन बेनोन, बेनोन के हॉस्पिक कहते हैं मरीज़ खाने को, बेनन के एक मरीज़ खाने में उसने सुकून के साथ मतलब उसने जो है वफात पाई। फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन मैन हु प्लांटेड ट्रीज़, और यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है।